यूपी में चल रहे 2022 विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान को लेकर झांसी में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज गरौठा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह ने अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। गरौठा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव अपने प्रस्तावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नामांकन किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने बताया कि मौका मिलने पर वे सबसे पहले एरच के रुके बांध का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे, जिससे कि क्षेत्रवासियों की जिंदगी बदल जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में वे कई विकासकारी कार्य करेंगे। बता दें कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है। भाजपा सरकार ने लोगों से रोजगार छीनने का काम किया है। 5 सालों में केवल जनता को ठगने का काम किया गया। इस बार जनता समझ चुकी है और चुनाव में सपा की सरकार बनने जा रही है, जहां भाजपा को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। गया है, सड़कें बनी नहीं, स्कूल बने नहीं, मास्टर पहुंचे नहीं, कन्या विद्यालय बंद है, लैपटॉप योजना बंद कर दी गई। अगर ये योजनाएं चलती रहती तो गरीबों को सहारा मिलता रहता। अगर बांध बन गया होता तो गरौठा की जनता की स्थिति दूसरी होती आज। थोड़ा कर्जा कम कर लेते, किसान खेत पर पानी पहुंचते। ये जांच के नाम पर 5 साल धोखा देते रहे लोगों को। इन्होंने सड़कें नहीं बनाई, इन्होंने पुल नहीं बनाया। लोहिया ग्राम बंद है, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बंद करा दिए, अम्बेडकर ग्राम बंद करा दिए। बताओ ना, विकास कौन सा काम किया है? योजनाएं सारी पेंशन तक छीनी बूढ़ी माँ के पास से। 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिलती थी, वो भी छीन ली गई। मैंने कहा इन सब बातों का जवाब मिलने वाला है। समाजवादी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी, वाकई जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पिछले 5 साल का जो नुकसान है, आने वाले 5 साल में उसको भरपाई कर सकूं, उन्हें आगे बढ़ा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। मैंने कहा गरीबों के पैसों के साथ बेईमानी करनी है, इसलिए जाति और धर्म खड़ा करेंगे। गरीब जानना चाहता है हमारी मेहनत का कमाई, हमारा ही वोट, हमारा ही नोट। मेहरबानी, हमें गेहूं देकर फ्री हम पे मेहरबानी कर रहे हो, हमसे ही पूरा पैसा ले रहे हो। किस पे लगता GST? क्या उद्योगपति GST पे करता? इस देश का आवाम पे करता है। कब तक मूर्ख और बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को कोरोना काल में भी लूट कर भाई भाई बता रहे हैं कि हमने बहुत टैक्स वसूल कर लिया। ये तो क्रूर राजाओं ने नहीं किया अपने जमाने में। आप तो जनता के द्वारा बन गए थे, आप तो गरीब की बात कर रहे थे, आप गरीबों को धन को लूटने वाले बन गए। 30 लाख करोड़ का बजट है, जिस दिन जनता बजट की तरफ जाने लगेगी और जब तक बजट की तरफ नहीं देखे किसान मजदूर, तब तक ऐसे ही बेईमानी की राजनीति चलेगी। लेकिन हमने कहा अब वोट के दिन जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है। 5 साल में एक स्कूल गाँव में नहीं बना, एक मास्टर नहीं पहुँचा है। हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के बेटों को मजदूर बना दिया गया है। हमने कहा इन सब बातों का जवाब चाहता है। वो नहीं लड़ेंगे, तरक्की के नाम पर इकट्ठे होंगे और सारे लोग मिलकर एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। देखिए धोखा तो उन्होंने दिया, उन्होंने बता दो कोई काम किया हो। मैंने कहा सारे काम रोकने वाले लोग हैं, हम लोग करने वाले लोग हैं। हम तो अपनी जिंदगी में ये भगवान सौभाग्य जोड़ते हैं कि 1000 बेटियों कन्यादान भी किए, कोई बिरादरी से मेरी बहन ना हो। मैंने कहा इन 5 सालों में इन्होंने किसी गरीब की बेटी की शादी मदद की हो तो बताओ। लेकिन मैंने कहा अब मौका मिल रहा है, अब इन 5 सालों में 1000 बेटियों की शादी करेंगे, गरीब किसान मजदूर की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे। ये जातियों की नफरत हम मिटाएंगे। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, राजनीति विषय ही लोगों की तरक्की का विषय है। वोट भी उनका है और नोट भी उनका है, उनके पैसे से उनकी तरक्की के सवाल हैं। ये जो लोग भाई भाई लेना चाहते हैं, उनके पैसे से उनकी मत करके भाई भाई लेना चाहते हैं। मोदी जी के नाम पर गेहूं देकर भाई भाई ले रहे हैं क्या? मोदी जी घर से पैसा दे गेहूं भेज रहे हैं, उन्हीं के पैसे से उनको गेहूं देकर भाई भाई लेंगे आप? इतना बड़ा धोखा क्या इस देश का? अगर 30 लाख करोड़ का बजट है तो क्या लोगों का पैसा, ये गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है? असली मालिक किसान है। और पहली बार दुनिया के किसी इतिहास में जो देश किसानों का हो, उस देश के किसान धरने बैठे बैठे 700 लोग जान चली गई हो, ऐसा कभी? मैंने कहा जिस जब भी किसान के स्वाभिमान को किसी छेड़ा है वो बचा नहीं है। इन्होंने 700 किसानों के परिवारों की जान ली। जो मालिक थे, जब बन रहे थे आप तो कह रहे थे सेवक बन के आएंगे, और जब बन गए तो शासक बन गए, क्रूर बन गए आप। मैंने कहा सब बातों का जवाब मिलने वाला है।